हम इस वक्त कोरोना कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि कोरोना कंट्रोल रूम जो है लगातार 24 घंटे यहाँ पे मॉनिटरिंग करता रहता है और लगातार यहाँ पे जो है हर उन फोन कॉल पे उनको जानकारी दी जाती है, जो भी उनको चाहिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, चाहे हॉस्पिटल में बेड्स हो और या फिर ऑक्सीजन लेवल हो, इस तरह की जानकारी यहाँ पे मुहैया कराते हैं। हमारे साथ योगेश भाले राव जुड़े हैं जो इसको कोऑर्डिनेशन ही करते हैं। योगेश, पहले स्वागत है आपका पल-पल इंडिया में। कैसे वर्किंग करता है ये कंट्रोल सर, सेंटर? हमारे कंट्रोल रूम में हर शिफ्ट में 15 एम्प्लॉयज़ हैं। मॉर्निंग शिफ्ट चलती है सुबह 7 बजे से 3 बजे तक, सेकंड शिफ्ट 3 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक, और उसके बाद सुबह रात्रि 11 से 11 से सुबह 7 बजे तक। इन 30 शिफ्ट में 15 एम्प्लॉय काम करते हैं। जैसे ही हमारे पास पॉजिटिव पेशेंट्स की लिस्ट आती है, हम उस पर कॉलिंग स्टार्ट करते हैं 60+ पेशेंट्स को पहले। उसके बाद हमारी एक डॉक्टर्स की टीम साथ में बैठती है, जिन भी पेशेंट्स को टेलीमेडिसिन की आवश्यकता होती है उनसे डॉक्टर की बात कराई जाती है। सामान्य पेशेंट्स को जितने भी नंबर्स रहते हैं उन सबको व्हाट्सअप के माध्यम से बेसिक दवाइयां जो ये लिखी हुई हैं यहाँ पर वो सब व्हाट्सअप किया जाता है। होम आइसोलेशन की जो गाइडलाइन है वो उनको व्हाट्सअप के माध्यम से दी जाती है, डॉक्टर से बात कराई जाती है। फिर उन लिस्ट पर जब हमारी कॉलिंग हो जाती है, कॉलिंग के बाद हम उसको जोन वाइज, वार्ड वाइज, SDM वाइज बनाते हैं और उनको सारे जोन के व्हाट्सएप ग्रुप पे अधिकारियों तक भेजते हैं। अधिकारियों को भेजने के बाद अधिकारी उस लिस्ट पर काम करके पोस्टर सैनिटाइजेशन का काम करते हैं। फिर जो एक चीज़ हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक दिन में लगभग कितने लोग उस पर कॉल्स करते हैं, कॉल्स लोगों की कॉलिंग यहाँ पर आ जाती होगी आपकी? कॉलिंग्स के लिए जैसे हर दिन पेशेंट जो आते हैं, जैसे 500 आए पेशेंट तो हमने 60+ उसमें से निकाला, 700 आए तो उसमें निकाल, जैसे 800 के ऊपर पेशेंट थे तो वो हम निकाल के उसकी कॉलिंग चालू करवाते थे। जो कॉलिंग बच जाती है, जैसे अब रात हो जाती है 10:30 तक कॉलिंग हम कर सकते हैं, उसके बाद हम बची हुई कॉलिंग मॉर्निंग में कराते हैं। एक बड़ी शिकायत हमेशा सुनने मिलती है लोगों की, हम लोग रिपोर्टिंग्स करते हैं, हमारे पास भी कई जानकारी आती है कि फ़ोन कॉल्स नहीं उठते, तो क्या प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि फोन कॉल्स कई बार नहीं रिसीव? फोन कॉल्स का ये है कि सर ये 5 नंबर 501 से लेके 505 दिए हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं जैसे ये लाइन बिजी है, किसी व्यक्ति ने 501 पे कॉल किया तो वो कॉल अगर वो बिजी है तो ये इस पर ट्रांसफर होगा, अगर ये बिजी है तो 503 पे कॉल ट्रांसफर होगा। तो उस वजह क्या होता है कि अगर जैसे चारों पाँचों फ़ोन बिजी हैं तो वो फ़ोन रिंग जाता रहेगा लेकिन वो फ़ोन होल्ड पर रहेगा। हम एक आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे पास एक कॉल आ रहा आया, समझ लो अभी हमें पर हमारे पास एक मरीज का कॉल आता है कि उसे बेड चाहिए, तो आप कैसे उसको बेड उपलब्ध कराएंगे, कैसे पता चलेगा? सबसे पहले पूछते हैं कि उसका एरिया क्या है, किस क्षेत्र में रहता है, उस क्षेत्र में के पास जो उसका हॉस्पिटल लगता है हम उस हॉस्पिटल की जानकारी, पहले हम सरकारी हॉस्पिटल की जानकारी देते हैं, अगर वहाँ अवेलेबल है तो उसको सरकारी हॉस्पिटल में जाने के लिए कहते हैं, और नहीं होता है तो हम उस सरकारी हॉस्पिटल का नंबर दे के भी बोलते हैं कि आप यहाँ से पता कर लीजिए यहाँ पर बेड खाली होने वाला है या खाली होने के चांस है यहाँ पर, नहीं तो हम उसके नज़दीकी प्राइवेट हॉस्पिटल का नंबर दे देते हैं जहाँ पर भी बेड अवेलेबल हो। अभी कितने बेड जबलपुर में, हम ऑल ओवर बात करते हैं तो कितने बेडों की अवेलेबिलिटी यहाँ पर मौजूद है? इनमें सभी तरह के बेड्स हैं, ICU, ऑक्सीजन बेड, विदाउट ऑक्सीजन। तो देखिए अभी जो उन्होंने डाटा चेक किया है उसमें 42 और अभी भरे हुए बेड्स कितने हैं जबलपुर में? भरे हुए बेड्स हैं टोटल बेड हैं 2,885 बेड, उसमें से 2,843 बेड भरे हुए हैं और 42 बेड्स खाली है। 42 तो यहाँ पे ये डाटा देख सकते हैं लगातार कि यहाँ पे जो बेड्स है अभी 42 बेड्स जो है वो खाली है। तो आपने देखा किस तरह से कोरोना कंट्रोल रूम जो है 24 घंटे लगातार काम करता है। कदीर खान के साथ अमित सोनी, पल पल इंडिया, जबलपुर।